नमस्कार बस्तर की बात में आपका स्वागत है मैं हूं गायत्री आचार्य सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर मोतीलाल नेहरू और दीनदयाल उपाध्याय वार्ड ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील नियमित साफ सफाई नहीं असामाजिक तत्वों से भी वार्डवासी बेहद परेशान वन विभाग द्वारा बांस बचाने और वृक्षारोपण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सोलह दिनों के बाद खोला गया सील किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड वार्डवासियों ने तालियां बजाकर अधिकारियों को दिया धन्यवाद और 29 वर्षीय पॉडीोग्रास राजेश ने बस्तर कलेक्टर से की है मदद की गुहार हेडलाइंस के बाद अब समाचार विस्तार से शहर के राउत पारा और नया पारा यानी दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और मोतीलाल नेहरू वार्ड को यहाँ रहने वाले कुछ रसूखदारों ने ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील कर दिया है दिन रात ट्रकों का आना जाना और भारी वाहनों से सामानों के लोड अपलोड से वार्डवासी बेहद परेशान हैं और आक्रोशित भी क्योंकि पुलिस यहां कोई कार्रवाई नहीं करती वहीं यहां पर सड़कों में ऑटो रिक्शा वाहनों की रिपेयरिंग भी की जाती है इसके अलावा यहाँ अनेक समस्याएं हैं पेश है एक खास रिपोर्ट शहर के दो ऐसे वार्ड जिसे हम मोतीलाल नेहरू वार्ड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के नाम से जानते हैं इसे हम नया पारा और राउत पारा भी कहते हैं ये दोनों ही वार्ड एक ही क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं इस वार्ड के हजारों परिवार इसे ट्रांसपोर्ट नगर जैसे बना दिए जाने के कारण बेहद आक्रोशित हैं और परेशान भी जी हां ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया गया है इस वार्ड को यहां की स्थिति की गंभीरता आप समझ सकते हैं 24 घंटे भारी वाहनों जैसे ट्रक पिकअप के अलावा ऑटो रिक्शा वाहन यहाँ सड़कों आरोप खड़ी रहती है दर्जनों गैरेज महुआ की दुकानों के अलावा कबाडी की दुकानों की भरमार है दिन रात दुकानों के सामने ट्रकों से सामान लोड अपलोड किया जाता है तो वहीं सड़क पर ऑटो रिक्शा वाहनों की रिपेयरिंग का भी कार्य किया जाता है जहाँ जहाँ ये कार्य होते हैं वहाँ आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग दिन रात रिपेयरिंग कर रहे ऑटो रिक्शा वाहनों की आवाजों के अलावा सड़कों में भीड़ के चलते महिलाएं घर से नहीं निकल पाती है यहाँ की समस्या बता रहे हैं यहाँ रहने वाले ए हामिद नगरिया मेरे ऑफिस के सामने मैं वकील हूँ मेरे ऑफिस के सामने जो है ना इन लोग ऑटो का वर्कशॉप खोले हैं और सड़क के ऊपर खोले हैं और इसका कोई कितने बना किया मैं लेकिन नहीं मानते दूसरा ये सामने में जो है इसी चौक के ऊपर सामने में जो जलेबी वाला इसको हटा दिए थे म्यूनसिपल वाले हटा दिए थे फिर लगा लिया है वो और जलेबी वाला जो है अपना ए, अपना किसी की दुकान का नहीं है खाली अपना आ, क्या बोलते हैं नाली के ऊपर रखा है और नाली के ऊपर रखा है और वहाँ पर जो है ना कार वार खड़े होकर के जलेबी खाते हैं इन लोग तो इससे हम लोग को बहुत तकलीफ होती है आधा रोड कवर अप कर लेते हैं जिससे आने जाने वाले को तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ट्रैफिक वालों को मैं बताया तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है मेरे को बोले आप राइटिंग में दो मेरे को तो मैं बोला राइटिंग में मैं देता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली दूसरे काम में फिर मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूं मैं और अभी जो है वकालत कर रहा हूं मैं तो ये जो है ये ठाकुर करके वो एक तरफ उसने वो रखा है अपना मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग रखा है इस तरफ जो है ये रखा है ऑटो रिपेयरिंग तो इससे बहुत कितने आठ दस आप अभी तो कुछ नहीं अभी आठ तो दस से यहाँ पर जो है ना ऑटो आके खड़े हो जाते हैं और घर घर करते रहते हैं और ठोक पीट करते रहते हैं कैसे करोगे बताइए आप मेरे को ये जो है गैरेज हैं गैरेज जो हैं जो गैरेज जो है माल वाल भरते हैं और ट्रक खड़ी रहती है दो तीन एक साथ दो तीन ट्रक खड़ी रहती है जिससे क्या है पूरा कंजस्टेड हो जाता है और जो पब्लिक को है आने जाने में तकलीफ होती है और ट्रैफिक सिस्टम जो है ही नहीं यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाले आते भी नहीं है ना पूछते भी नहीं हैं हमको तो ये जो है बहुत तकलीफ दे है और यदि आप, आप लोग लिख करके इसको कुछ कर सकेंगे तो मैं आपका बहुत आसान बंद रहूँगा मोतीलाल नेहरू वार्ड के तहत आने वाले हिस्से में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि इस वार्ड में सिर्फ भारी वाहनों के खड़े रहने के कारण ही लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं लागू नर्सिंग होम आने वाले तमाम मरीजों के परिजनों द्वारा वाहनों की पार्किंग भी यही की जाती है आस रहने वाले लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं वाहनों का अव्यवस्थित जमावाड़ा के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहीं स्मृति गैलेक्सी की बाजू वाली गली में मौजूद रहने वाले नशेबाज असामाजिक तत्वों ने भी इनका जीना हराम कर दिया है ये तमाम परेशानियां बताती यहाँ की महिलाएं ज़्यादा परेशान है शाम के टाइम तो बाहर निकल ही नहीं सकते मैम क्या है यहाँ लड़के इतने गंदी हरकतें भी करते हैं यहाँ पैंट को उतार लेंगे उल्टे सीधे काम इतना करते हैं यहाँ जिसकी कोई हद नहीं गांजा पी लेंगे छोटे छोटे बच्चे हरकते देखते हैं फिर घर आके बोलते हैं मम्मी बाहर जाके देखो अंकल लोग क्या कर रहे हैं इतना ज़्यादा यहाँ गांजा पी लेते होश ही नहीं रहती कि वो कर क्या रहे बीच में तो पूरा वीडियो बनाए थे पूरी आग लगा दिए थे इतना ज़्यादा कि बच्चे लोग बाहर निकले लड़कियां बाहर नहीं सकती दारू पियेंगे बॉटलेंगे यहीं फेंक के जाते हैं हम यहाँ तक झाड़ू मारते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक फिर शाम को ही हाल होता है आज़ाद चौक में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला किस कदर परेशान है सुनते हैं उन्हें की जुबानी एजा चौक है ना चौक पड़ता है पास में स्कूल है जे... दिन बार वहाँ लड़के इतना मतलब खड़े रहते हैं तीन तीन चार चार जने मोटरसाइकिल में बैठ के वो उनको मना करने से और परेशान करते हैं ऐसे मतलब पटाखे मारते जाते हैं मोटरसाइकिल का और मतलब सुन नहीं पाते हम बुजुर्ग इंसान है सोए हैं उनमें तद ऐसे परेशान होकर उठ जाते हैं दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो सगो चिड़के ऐसा ही करते हैं तो आप बताओ कि हम कैसे जिएंगे तो जिएंगे हम सियाण उम्र है और जवान बच्चे होना हमारे घर तक कितनी परेशानी होएगी कि जो स्कूल के सामने खड़े रहते हैं अभी तो स्कूल कोई नहीं लगा तद भी ऐसे ही है आदत उनकी सामने इलाज है ऊपर पता नहीं उसी कारण इतने खड़े रहते हैं क्या है वो भगवान जाने इसके अलावा इस वार्ड में साफ़ सफाई सही तरीके से नहीं होने की भी शिकायत महिलाओं ने की है घर के सामने देखिए तो गेरी जो वगैरह है ये पूरा गली में पूरा बाथरूम करते हैं कचरा फेंकते हैं बोलने से भी नहीं समझते हैं तो इंसान करे तो क्या करे हाँ यहाँ के हम लोग वार्ड मेंबर को भी बोले वो भी आके यहाँ पर इतना चिल्लाए मर फिर भी लोग नहीं मानते हैं वो अपने ही चलाते हैं यहाँ सब लड़की लोग रहते हैं घर है कैसे करेगा इंसान हाँ पूरा फैमिली वाले हैं यहाँ पर ही मगर समझते नहीं है कोई चीज़ बोलने से भी बहुत परेशानी है दे बहुत जहाँ पाते वहीं खड़े हो के बाथरूम कर देते हैं ये दे दे नहीं दे सोचते दे दे कि आजू बाजू घर है करके दे 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 अब एक ऐसी इंसान परेशानी है बीमारी से और लोग समझते ही नहीं है कोई ऐसा बात को रोड रोड के उस तरफ देखो तो ट्रक सब खड़े हैं गैरेज खोले हैं पूरा कचरा सबको फेंक देते हैं बिल्कुल नहीं समझते हैं कोई ऐसा बात को साफ सफाई भी इंसान को रहना चाहिए मगर कुछ नहीं करते हैं यहाँ के लोग और रात के टाइम में फेंकते दिन में नहीं फेंकते तो रात में फेंकते हैं महिलाओं ने बताया कि तीन महीने से कचरे को नहीं उठाया गया है महिलाओं की शिकायतों को लेकर मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद आलोक अवस्थी क्या कहते हैं इन्हें भी सुन लीजिए आपके माध्यम से अभी मुझको मेरे वार्ड की समस्या का पता चला कि स्मृति गैलेक्सी से जो लगी हुई गली है वहाँ कचरा फेंका जा रहा है मैं आपको बता दूँ कि ये जानकारी मुझे है और उस गली में निरंतर कचरा फेंका जाता है आसपास की दुकानों से और मैंने सभी दुकानदारों से कई बार बात की है उनसे कहा भी है कि उस गली में कचरा ना फेंकें बावजूद उसके जो है कचरा फेंकने का क्रम जारी है मेरे तरफ़ से प्रयास में कहीं कमी नहीं है हाँ लेकिन अगर लोगों की शिकायतें आ रही हैं तो उसको मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ हो सकता है मेरे कार्य में ही कोई कमी रही होगी इस कारण से जो है वहाँ गंदगी फैल रही है तो मैं अपने काम को और सुधारने का प्रयास करूँगा दूसरी बात ये है कि वो वहाँ जो है असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है ये बात बिल्कुल सही है इसके लिए भी मैंने जो है पुलिस विभाग में मौखिक शिकायत की थी दो या तीन बार मैं जाके मिला था रात के समय में अंधेरे का लाभ लेके वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा रहता है उस पर रोकथाम जरूरी है वो आवश्यक है वही महिलाओं ने पुलिस पर भी ये आरोप लगाया है कि पुलिस यहाँ धारों पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि पुलिस का इनके साथ साठ गांठ है अब देखना ये है कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें आखिर कब खत्म होती हैं और इन्हें खत्म करने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है और निगम कितना सक्रिय होता है बस्तर की बात जगदलपुर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा कोविड 19 के कारण देश के विभिन्न राज्यों से बस्तर लौटे कुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने हेतु राज्य शासन की मंशानुरूप कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य महाप्रबंधक सीएसआईडीसी के द्वारा लिए गए बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा कुशल श्रमिकों को काउंसलिंग उपरांत अपने उद्यम में रोजगार देने हेतु सहमति दी है मुख्य महाप्रबंधक सीएसआईडीसी शिवकुमार राठौर ने बताया कि आईटीआई अडावाल भवन स्किल सिटी में बाईस और तेईस जून को सुबह ग्यारह बजे ट्रेडवार काउंसलिंग रखा गया है विभिन्न राज्यों से जिले में आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने हेतु सातों विकास खंडों में सात स्किल मैपिंग किया गया है आसना के तामा को इंद्रावती नदी किनारे सुबह एक नवजात शव देखा गया शव मिलने की जानकारी लगते ही ग्रामीणों का हजूम यहाँ लग गया मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई जिसके बाद टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई मामले के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की सुबह जब गांव के कुछ लोग नदी किनारे कुछ काम से गए थे तो उन्हें एक नवजात शिशु का शव देखने को मिला जिसके बाद गांव के लोगों को जानकारी मिलते ही नदी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ करते हुए शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया बस्तर में बोड़ा का क्या महत्व है इसका अंदाजा आप इसे देखकर लगा सकते हैं महिलाएं बोड़ा खरीदने किस तरह छीना छपटी तक करने लगती हैं वो इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है जी हाँ इस वर्ष बोड़ा बाजार में पहुँच चुका है साल वृक्ष के नीचे शुरुआती बारिश में निकलता है ये बोड़ा बोड़ा मशरूम प्रजाति का ही है देश की सबसे महंगी सब्जी इसे हम कह सकते हैं इन दिनों चौबीस सौ रुपये पहले ये बिक रहा है कहते हैं इसमें औषधीय गुण भी होता है इसके साथ ही इसे स्वादिष्ट और महंगी सब्जी मानते हुए इससे कई रोग भी दूर भगाए जा सकते हैं अन्य राज्यों में भी इसकी भारी डिमांड है मानसून आगमन से पहले होने वाली बारिश में बूढ़ा साल वृक्ष के नीचे से निकाला जाता है हल्की बारिश में इसकी आवक होती है वन विभाग द्वारा बांस के पुनर्स्थापना प्रबंधन बहुस्तरीय वृक्षारोपण आंवला और काजू वृक्षारोपण प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने के लिए एक दिवसीय वित्त स्तरीय कार्यशाला का आयोजन का मंगलवार को वन विद्यालय के सभागार में किया गया जिसमें सेवानिवृत्त आई एफ एस अधिकारी श्री नोनहरे और अन्य ने कार्य योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी इस कार्यशाला में सी शाहिद खान के साथ अन्य वन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए बस्तर में बांस का उत्पादन काफी मात्रा में होता था लेकिन वर्तमान समय में बांस के उत्पादन में काफी कमी आई है बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला के विस्तार से सेवानिवृत्त आई एफ एस अधिकारी श्री नोनहारे ने बताया उन्होंने उपस्थित वन विभाग के अधिकारियों को 40 वर्ष का डाटा एकत्रित कर वर्किंग प्लान जो 10 वर्ष के लिए होता है उसकी समीक्षा कर योजना बनाने की बात कही इस दौरान आय सुझावों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण द्वारा बांस की अवैध कटाई की जाती है या बास्ता के लिए काटा जाता है तो इसे रोकने के लिए हमें ग्रामीणों के बाड़ियों में ही बांस लगाने के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि उनकी जरूरत उनके बाड़ी से ही पूरी हो जाए और वे जंगल के बांस को अवैध रूप से न काटें उन्होंने विगत वर्षों में बांस का उत्पादन घटने का कारण का पता लगाने की भी बात कही ताकि उस समस्या का समाधान भी हो सके उन्होंने जंगल में बांस के पौधों पर मिट्टी चढ़ाने और जल संरक्षण की व्यवस्था करने की भी बात कही जिससे बांस का उत्पादन बढ़ाया जा सके इस दौरान सी शाहिद खान ने इस वर्ष पौधा रोपण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया पच्चीस जून को शहर के क्षेत्रों में घर पहुँच उनके मांग के अनुरूप पौधा सामाजिक वानिकी द्वारा दिया जाएगा साथ ही लोगों को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से वे अपने पसंद के पौधे मंगवा सकेंगे 6 जुलाई को ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों आश्रम छात्रावास स्कूल परिसर में कम से कम पाँच मुनगा के पौधे लगाए जाएंगे इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक भी शामिल होंगे 11 जुलाई को जिन जगहों पर फेसिंग की व्यवस्था है वहां पर वृहत स्तर पर शीट बॉल रोपण किया जाएगा इसके साथ ही मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जंगल में सब्जी के बीज भी डाले जाएंगे जिससे वनवासियों और विशेष जंगली जानवरों को भोजन उपलब्ध हो सकेगा सी शाहिद खान ने इस कार्यशाला के संबंध में जानकारी देते हुए बताया वन ख़त्म हो रहे हैं तो उसके क्या कारण है उसको किस तरीके से पुनर्स्थापित किया जा सकता है उसके संबंध में जो है योजना तैयार की जा रही है और अगला जो है जो ए होगा कैंपा का तो उसके अंतर्गत जो है ये इसको ए की तैयारी है ये इसमें जो है सेंक्शन के लिए भेजा जाएगा उसके हिसाब से जो है उसको बाँस बाँस के साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो काजू है काजू में उत्पादकता जो है कम हो रही है तो उस उत्पादकता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि उसके ऊपर भी जो है उसमें आ, उसकी कार्य योजना जो है तैयार की जाएगी कि और साथ ही साथ जो है आंवले के जो है प्लांटेशन प्लांटेशन तो हो गए लेकिन जंगल के जो है जो प्लांटेशन वाले आंवले हैं उसमें जो है फ्रूटिंग जो है कम होती है या कई जगह तो होती भी नहीं है तो उसके लिए क्या काम जो है किया जा सकता है ये भी है साथ ही साथ जो है जो आ, मेडिसिनल प्लांट है उसका किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर भी जो है आज कार्यशाला में जो है चर्चा होगी कार्यशाला का लाभ वन के संरक्षण और वन उत्पादन बढ़ाने में कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बस्तर की बात जगदलपुर यहाँ लेते हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे कहीं विकास के सौपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच आतंक से दहलते जंगल जमीन और जीवन साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव व्यवस्था की खूबी कमी और खामी खूबसूरत नजारे होगी हर बात हमारे साथ बस्तर की बात ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर शहर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के एक युवती की रिपोर्ट पिछले दिनों रायपुर में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वार्ड के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया था जिसे 16वें दिन मंगलवार को खोल दिया गया क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली पिछले दिनों शहर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के युवती रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वार्ड को सील कर दिया गया था जिसे 16 दिनों के बाद मंगलवार को खोल दिया गया है हम आपको बता दें कि 16 दिनों पहले वार्ड के युवती को ब्लड कैंसर बीमारी के चलते अपना इलाज कराने रायपुर गयी हुई थी वहाँ जाँच के दौरान युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गयी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वार्ड को सील कर दिया था कुछ दिनों के बाद उस की इलाज के दौरान मौत हो गई। वार्डवासियों ने दिन अचानक हंगामा शुरू करते हुए सील हुए वार्ड को खोलने की बात कह रहे थे हंगामे की जानकारी मिलते ही डिप्टी कलेक्टर प्रवीण वर्मा ने मौके पर पहुँच सील हुए वार्ड को खोलने का आदेश दिया जिसके बाद वार्डवासी तालिया बजा अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया इस मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर प्रवीण वर्मा ने कहा कि अवधि पूरी होने के बाद वार्ड को सील मुक्त कर दिया गया है बताया गया कि युवती के घर को सुरक्षा के मद्देनजर सील ही रखा जाएगा बस्तर की बात जगदलपुर राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों में ऐसी किसानों का कर्ज माफी खेती किसानी के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत कृषकों को बिना ब्याज के खाद बीज और नगद राशि के रूप में ऋण की उपलब्धता पच्चीस सौ रुपये प्रति क्विंटल में खरीफ धान की खरीदी की और अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को अंतर की राशि प्राप्त होने से बस्तर के किसान खुश हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को अंतर की राशि चार किश्तों में दी जाएगी जिसमें पहली किस्त का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया गया है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित से प्राप्त सूचना के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के सातों जिलों में सहकारी समिति में पंजीकृत एक साजार 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 किसानों में से इस योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में एक किसानों को एक करोड़ इकतालीस लाख तिरासी हजार रुपए का भुगतान किया गया नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य दरवाजे के पास दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है ये गड्ढा इस गड्ढे को कई महीनों से पाटा नहीं गया है बारिश के दिनों में इसमें पानी भर जाने के कारण यहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गौरतलब है कि सीएसपी ऑफिस में पीड़ितों के आने जाने की संख्या काफी होती है जिन्हें गड्ढे के कारण दिक्कत होती है बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विस्फोटक मिलने की खबरें आती रही हैं लेकिन इस बार ओडिशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित तिरिया जंगल में विस्फोटक बरामद किया गया है जिसे ओडिशा और बस्तर की पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार की शाम तिरिया और गुप्तेश्वर जाने वाले मार्ग पर पाँच किलो वजनी बम बरामद किया है बम को मौके पर ही बी की टीम ने निष्क्रिय कर दिया है हम आपको बता दें कि बस्तर जिले में बाजार दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन सुबह पाँच बजे से शाम सात बजे तक ही किया जाएगा बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर के द्वारा दुकानों का संचालन का समय शाम सात बजे तक नियत किए जाने हेतु निवेदन किया गया था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुबह पाँच बजे से रात नौ बजे तक बाजार दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन किए जाने आदेशित किया गया था किंतु बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है बारिश के आते ही रमैया वार्ड वासियों को जल भराव की समस्या सताने लगती है वही विगत दस वर्षो से बंद नाली निर्माण का कार्य शुरू होने से और दो जगहों पर बंड को तोड़कर पुलिया बनाए जाने से वार्ड वासियों को उम्मीद है की इस वर्ष उन्हें जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी नगर निगम क्षेत्र के रमेया वार्ड में बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति पिछले कई वर्षों से निर्मित हो रही है बारिश के आते ही वाड़ वासियों की परेशानी बढ़ जाती है कई मकान के मुख्य द्वार के चौखट पर लोग तीन चार फीट की दीवार खड़ी कर रखे हैं ताकि नालियों का गंदा पानी उनके घरों में प्रवेश न कर सके वार्डवासी कई बार समस्या को लेकर नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के समक्ष गुहार लगा चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है वर्तमान पार्षद योगेंद्र पांडे वार्डवासियों को जलभराव की स्थिति से निजात दिलाने के लिए तत्परता के साथ जुटे हुए हैं इसी तारतम्य में लुक्कड़ भवन के सामने अधूरी नाली को वार्डवासियों की सहमति से निर्मित करवा रहे हैं मालूम हो कि इस जगह पर नाली निर्माण का कार्य विगत 10 वर्षों से रुका हुआ था जिसे अब शुरू किया गया है इस नाली निर्माण में कुछ लोगों के घरों की दीवारों को भी पड़ रहा है इसके लिए भी लोगों ने अपनी सहमति दी है ताकि बारिश के पानी की निकासी सही ढंग से हो सके और वार्ड में जल भराव की समस्या दूर हो सके इस संबंध में वार्ड के पार्षद योगेंद्र पांडे ने उनकी पहली प्राथमिकता वार्ड वासियों को जल भराव की स्थिति से मुक्ति दिलाने की बात कहते हुए कहा हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे जनता के बल से कर रहे हैं हमारे लोगों ने हमको बहुमत दिया जिताया और हमने वादा किया कि भाई जल भराव से कोशिश करेंगे कि हम बचाव कर सकें उस कड़ी में एक दो तीन कड़ी था जैसे एक आकांक्षा होटल से पीछे पा, पानी जा रहा है बहुत बड़ा नाला है तो वहाँ भी एक पुलिया बनाए और ये जो है ना हमारे आंगनबाड़ी है यहाँ भी पूरे वार्ड का पानी बहुत तेजी से आता है और बैकिंग हो करके वार्ड में भरता है तो वहाँ एक तो अपन पुलिया बना दिए और एक बहुत पुरानी बहुचर्चित नाली था जो करीब दस साल से पूरे तक बनेगा ही नहीं लेकिन हम हमारे लोगों के सहयोग से सब लोगों ने सहयोग की भी किया वो नाला को बनवा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ तो हम पानी जो रुकता था उससे हम बचाव कर पाएंगे आगे तो हम इसके लिए संकल्प है कि हम अपने लोगों को पानी भराव से बचाएंगे लेकिन पानी लग रहा है कि निकल जाएगा हमको राहत मिलेगा जरूर इसके लिए वे आंगनबाड़ी केंद्र के पास बंड को तोड़कर एक पुल का निर्माण किए हैं जिसे नालियों का पानी दलपत सागर में निर्बाध रूप से जा सके इसी तरह एक पुल का निर्माण आकांक्षा होटल के बाजू में बहने वाली चौड़ी नाली पर भी बंड को तोड़कर बनाया गया है श्री पांडे का कहना है कि यह अधूरे नाली के निर्माण होने से और जो बंड को तोड़कर पुल बनाए गए हैं इससे रमैया वार्ड के जल भराव की समस्या से लोगों को ज़रूर निजात मिलेगी वार्डवासियों ने भी पिछले दस वर्षों में बंद नाली निर्माण का कार्य फिर से शुरू होने से जल भराव की स्थिति में कमी आने की उम्मीद जताई है जल भराव की स्थिति से कितनी निजात मिलती है यह तो बारिश के दिनों में ही पता चल पाएगा बस्तर की बात जगदलपुर २९ वर्षीय पोलियो ग्रस्त राजेश का मानना है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर छोटा काम करता है तो वो छोटा नहीं हो जाता कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है परंतु आजीविका चलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम न हो तो क्या किया जाए वर्षों से शासन प्रशासन को नौकरी दे जाने की गुहार लगाने वाला राजेश को उम्मीद है कि अब की बार बस्तर कलेक्टर उनकी अवश्य सुनेंगे पेश है ये खास रिपोर्ट वैसे तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है मायने ये रखता है कि आप अपने काम को किस नजरिए से देखते हैं और किस जुनून के साथ करते हैं और आप में जुनून है और टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता जी हाँ कुछ ऐसी ही बात सुंदरलाल शर्मा वार्ड में रहने वाले २९ वर्षीय राजेश राम में भी है परंतु वे पोलियोग्रस्त हैं पोलियोग्रस्त होने के कारण वे मजबूर हैं नहीं चल फिर सकने के कारण खुले आसमान के नीचे वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं राजेश राम मोची हैं लोगों के जूते चप्पल सिलने के अलावा फटे बैग आदि सिलने का काम भी करते हैं राजेश राम चाहते हैं कि वे मोची का ही काम करें परंतु इससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है गरीब परिवार में जन्मे राजेश के पिता मजदूर हैं दो छोटे भाई और माँ का पालन पोषण मुश्किल से हो पा रहा है बारहवीं पास पोलियोग्रस्त राजेश राम प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत कंप्यूटर कोर्स का भी बारहवीं पास पोलियोग्रस्त राजेश राम प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत कंप्यूटर कोर्स का भी प्रशिक्षण लिया है वे चाहते हैं कि कोई छोटी सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए उनकी अपनी व्यथा कुछ इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं राजेश मेरा नाम राजेश राम है मैं बोध घाट चौक में रहता हूँ हनुमान मंदिर के पीछे मैं कक्षा बारहवीं पास हूँ कंप्यूटर का कोर्स भी एक साल का सीखा हूँ प्रधानमंत्री वाला कौशल विकास प्रशिक्षण किया हूँ अनेकों बार मैं कलेक्टर से कमिश्नर से विधायक से अपना परेशानियाँ मैं बताया आवेदन दिया मेरे को आज तक वो मतलब किसी भी चीज़ का सरकारी चीज़ का फायदा नहीं मिला कोई नौकरी नहीं मिला तो मजबूरी बस के कारण मैं आगे कॉलेज का पढ़ाई भी नहीं कर सका मैं और सरकार से मेरा ये निवेदन है कि जो मैं मेरा छोटा मोटा मेरा रोजगार रोजगार देने का कोशिश करेंगे और मैं अपना जीवन या अपने किसी तरह जूता पॉलिश करके मैं अपने जीव को पार चला रहा हूँ ये तीन महीने का लॉकडाउन में, में मेरे को खूब सारा परेशानियाँ हुआ कोई चीज़ का हमको फ़ायदा नहीं मिला कुछ सामान भी नहीं मिला फिर भी मैं अपना जैसे जैसे धीरे धीरे समस्या थोड़ा ठीक हुआ तो मैं अपना जूता पारिश का काम शुरू किया हूँ और मैं सौ दो सौ अपना रोजी रोटी कमाता हूँ अपना परिवार चलाता हूँ और मेरा एक ख्वाहिश है जो छोटा चो, मोटा हमको कोई सरकारी जॉब में कोई योजना के तहत हमको मिल सके या मतलब जैसे कि नौकरी लग जाए तो हम थोड़ा सा हमको परेशानी हो जाए शादी शादी के लिए भी लड़की लोग नहीं देना चाहते हैं जो बोलते हैं विकलांग है क्या करके खिलाएगा कैसे रखेगा क्या करेगा नहीं करेगा और जो कलेक्टर जी से मेरा निवेदन है कि जो मेरा ये समस्या का समाधान कर सके और मेरे पिताजी भी मजदूर है मेरे पिताजी भी मजदूरी कुली मजदूरी करते हैं लालबाग मैदान के किनारे एक पेड़ के नीचे ग्राहकों का इंतजार करते राजेश परंतु कमाई मेहनत के हिसाब से काफी कम इतना कम कि दो वक्त का रोटी भी ना मिल पाए इनका कहना है कि जिंदगी आसान नहीं है यदि कोई ग्राहक आए तो दस से पचास रुपए हाथ आ जाते हैं यदि कोई नहीं आता तो शाम तक बैठे रहते हैं राजेश ने बताया कि अब तक जितने भी कलेक्टर आए सभी को उन्होंने नौकरी के लिए गुहार लगाई कोई मदद नहीं मिली उनका कहना है कि तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्र अंकितानंद अमित कटारिया डॉक्टर अयास तम्बोली के बाद अब बस्तर कलेक्टर रजत बंसल से विनती करते हैं कि उनकी सहायता की जाए राजेश ने बताया कि रुपए जोड़ जोड़ कर उन्होंने एक स्कूटी खरीदी है जिससे उन्हें आने जाने में सहूलियत होती है विगत छह वर्ष से वे मोची का काम कर रहे हैं एक आस एक उम्मीद जगी है कि बस्तर कलेक्टर उनकी सहायता अवश्य करेंगे कैमरामैन रोहन नाग के साथ गायत्री आचार्य की रिपोर्ट बस्तर की बात जगदलपुर चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस आरोप मोतीलाल नेहरू और दीनदयाल उपाध्याय वार्ड ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील नियमित साफ सफाई नहीं असामाजिक तत्वों से भी वार्डवासी बेहद परेशान वन विभाग द्वारा बांस बचाने और वृक्षारोपण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 16 दिनों के बाद खोला गया सील किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड वार्डवासियों ने तालियां बजाकर अधिकारियों को दिया धन्यवाद और उनतीस वर्षीय पोलियोग्राफ राजेश ने बस्तर कलेक्टर से की है मदद की गुहार बस्तर की बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही कल हम कुछ समाचारों को लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार